Good morning. Chapter 3, Examination and Certificates of Competency and of Fitness, Part 2. MMR 961 का Chapter 3 है ये. ठीक है? Regulation 13, Examinations and Examiners. Examination होंगी और जो उसको examine करेगा वो examiner करेगा. Certificate of Competency shall be granted to successful candidate after such examination and in such form as the board may prescribe. The certificate of competency hai. Certificate of competency mein gas testing aata hai, first class, second class, manager, foreman, mate, plaster. Wo successful candidate ko grant kiya jayenga jab matlab examination hone ke baad mein. Aur aise in such form, in form mein jo board mein prescribe, jab apna certificate rehta hai, wo board ke dwara prescribe kiye gaye form mein certificate humko show hota hai. Theek hai? Provided that the board mein subject to the condition to be specified in the bylaws framed for the purpose exempt any person from appearing at the examination or part thereof for grant of the certificate referred to regulation 12. Agar board chahe to wo kuch specific condition specified kar sakta hai bylaws bana ke. Theek hai? Bylaws form board ke paas power kaisa hai, wo bylaws form kare. Theek hai? और उससे कोई भी पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकते समझ लो पहले जो मैनेजर का था अगर मैनेजर ये 2 साल मांग रहा है ठीक है एक्सपीरियंस सेकंड क्लास के लिए समझ लो अगर कोई भी एग्जाम के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है कोई भी इसके लिए तो बोर्ड ने एक बायलॉज बनाया कि वो बोलता है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ठीक है बायलॉज बनाने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस बनाने के बाद वो किसी को भी मतलब कोई भी पर्सन को एग्जेम्प्ट कर लिया मतलब अपीयर करने के लिए तो उसने बायलॉज बना के एग्जेम्प्ट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऐसे बायलॉज बना सकता है उसके लिए कुछ टाइम लगता है Provided further that the board may, for a period of 5 years from the date of coming into force of the Metalliferous Mines Regulation 1977 and subject to such condition as may be prescribed in the bylaws made by the board for the purpose, exempt any person possessing such experience or such qualification in both in mining as may be approved by the board in this behalf from appearing at the examination or part thereof grant of certificate referred in Regulation 12. इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर बोर्ड चाहे 1977 से 5 साल तक ठीक है मतलब 1977 से 5 साल मतलब 1982 ऐसा कुछ नहीं है मतलब 1977 अगर आप अपने ये बस एग्जांपल पकड़े 1982 5 साल में एग्जेम्प्ट एनी पर्सन ठीक है 5 साल तक एग्जाम एनी पर्सन पोजीशन सच एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस इन बोथ इन माइनिंग एज वेल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ फ्रॉम अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन और पार्ट देयरऑफ फॉर ग्रेट ऑफ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड इन द रेगुलेशन 12 अगर बोर्ड चाहे तो वो बोर्ड किसी को भी 5 साल तक बैन बोलते ना बैन वो रहता है कि 5 साल तक वो बैन लगा सकती है कि उसको माइनिंग में वो अपीयर ही ना हो एग्जाम को ठीक है 5 साल तक का बैन लगा सकती है बोर्ड The examination, second point, the examination shall held at such times and at such centers as may be fixed by the board and shall be conducted by examination appointed by the board. देखो board का है कि वो exam लेगा, लेकिन जो examiner है, वो इसे examiner मतलब जो center में जो लोग रहते हैं school के examiner जितना, तो appoint कौन करेगा? Board करेगा, ठीक है? और बोर्ड ही बताएंगे कि एग्जाम कितने बार होना चाहिए और कितने सेंटर होना चाहिए 3 साल का जो बोर्ड रहता है बोर्ड का जो टर्म ये बार बार हम रिवाइज करते जाएंगे बोर्ड का जो टर्म है वो 3 साल का रहता है ठीक है 3 साल में कितने बार टाइम्स और कितने सेंटर्स फिक्स्ड हो वो बोर्ड डिसाइड करेगा ठीक है और जो एग्जामिनर्स है उसको कौन अपॉइंट करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेंगी ठीक है देखो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेंगी बोर्ड को ठीक है बोर्ड किसको अपॉइंट करेंगे एग्जामिनर ठीक है और जो चेयरमैन है ठीक है चेयरमैन मतलब चीफ इंस्पेक्टर बोर्ड का वो अपॉइंट करेगा सेक्रेटरी को जो इंस्पेक्टर होगा उसको अपॉइंट करेगा ठीक है इसको आप बार बार रिवाइज करते जाएंगे इसके अंदर रिविजन हो जाएगा अपना ठीक है द एग्जामिनर शो अपॉइंटेड शेल बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड शेल रिसीव सच रेन्यूमरेशन एज द बोर्ड विद द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मे फिक्स तो जो एग्जामिनर है इनको अपॉइंट होकर करे जाएंगे ठीक है
और वो उनको जो रेन्यूमरेशन है, जो पैसा मिलने वाला है एज अ बोर्ड, मतलब जो पेमेंट पैसा जो भी मिलने वाला है वो बोर्ड डिसाइड करेंगे, ठीक है। और सेंक्शन किससे करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से। बोर्ड के, बोर्ड से बड़ा कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंक्शन करेंगे, बोर्ड फिक्स करेंगी, और सेंक्शन कौन करेंगे, सेंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ठीक है। फोर्थ, द बोर्ड में मेक बायलॉज एज टू कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एज टू ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ फिटनेस एज रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन एंड शेल सो फार मे बी प्रैक्टिकल प्रोवाइड विद द स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज, ठीक है। बोर्ड बायलॉज बना सकती है, बायलॉज कौन बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, बोर्ड बना सकती है, किसके लिए, एग्जामिनेशन के से कंडक्ट करने के लिए बायलॉज बना सकती है, ठीक है। एज टू ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को ग्रांट करने वाला जो बायलॉज है उसके लिए बोर्ड बना सकती है, फिटनेस का सर्टिफिकेट के लिए बना सकती है अंडर दिस रेगुलेशन। स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास एंड ऑफ स्टैंडर्ड मेडिकल हेल्थ फिटनेस एंड शैल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट यूनिफॉर्म टेरिटरीज, मतलब बायलॉज बना के ऐसा कर सकते। बायलॉज बनाने का मतलब मेन रीजन क्या होगा उसका, मतलब क्यों बनाना चाहिए बायलॉज, जो स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस है, ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरे टेरिटरीज में। मतलब ऐसा ना हो, समझ लो सिक्किम में जो है वहाँ पे लोगों की हाइट छोटी होती है, तो वेट बोर्ड चाहे तो सिक्किम में छोटा, मतलब बायलॉज बना सकती है पूरे ओवर इंडिया में, मतलब 5'10" 5'6" हाइट रखी उसने मेल की, लेकिन सिक्किम में वो 5 feet हाइट में ही अप्रूव कर सकती है ताकि टेरिटरीज में वहाँ पे यूनिफॉर्म रहे, वहाँ पे उतने लंबे लोग पाए नहीं आते इसलिए, ठीक है। एवरी बायलॉ मेड बाय द बोर्ड अंडर दिस रेगुलेशन शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। जो भी बायलॉज बनाएंगे बोर्ड उसको पब्लिश करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में, एंड नो सच बायलॉज शैल हैव द इफेक्ट अंटिल 3 months आफ्टर द डेट ऑन विच इट वॉज पब्लिश, ठीक है। तो आप समझ लो बायलॉज जनवरी में बना, अगर बोर्ड को एक बायलॉज बनाना है कि जो एक्सपीरियंस समझ लो सेकेंड क्लास का 2 साल का एक्सपीरियंस को चेंज करके 3 साल करना है, ठीक है। तो 1 जनवरी को, जैसे तुरंत तो नहीं कर पाएंगी, 1 जनवरी को वो पब्लिकेशन करेंगी, और फिर जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च के बाद ही वो एप्लीकेबल होगा। तो कम से कम 3 महीने का पीरियड वेट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आई बोर्ड किसी को किसी के साथ अनफेयर ना करे ना इसलिए इसके लिए रूल रखा है, या फिर कोई गलत डिसीजन हो जाए बोर्ड के बाद के साथ इसलिए, ठीक है। 14 सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रेगुलेशन है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। चैप्टर 3 में सबसे कंफ्यूजिंग रेगुलेशन कोई होगा तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड शैल बी मेड ऑन फॉर्म सप्लाइड फॉर द पर्पस, ये कंफ्यूजिंग नहीं, सेकंड वाला पॉइंट कंफ्यूजिंग है। एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कोई भी एग्जाम में अपन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं, वही एप्लीकेशन और एक फॉर्म, वैसा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो जो बोर्ड, मतलब वो जो एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होना चाहिए तो बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है। सेकंड, नोटिस रिगार्डिंग डेट एंड प्लेस, ठीक है, ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द मैनेजर्स एंड सर्विस सर्टिफिकेट्स शैल बी पब्लिश्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड इन सच पीरियोडिकल्स एज द बोर्ड मे डायरेक्ट नॉट लेस देन 60 डेज प्रायर टू द डेज फिक्स्ड बाय द बोर्ड फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन, समझे नहीं ना, ठीक है। जो मैनेजर और सर्वेयर की का जो एग्जाम है, ठीक है, तो अब एप्लीकेशन फॉर्म वो स्टार्ट करने वाली है समझ लो 1 जून से, ठीक है। 1 जून से अगर वो कोई समझ लो एग्जाम है अपनी, तो 1 जून में आई अपना क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपको 1 जून से एक जून से अपने को एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू करना है, ठीक है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 1 जून, उसके 60 दिन पहले कम से कम 60 दिन पहले जो बोर्ड है उसको डेट एंड प्लेस बताना पड़ेगा कैंडिडेट्स को। 60 दिन पहले बोले तो जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल के भी पहले, मतलब अप्रैल के पहले, 1 अप्रैल के पहले, मार्च में कम से कम उसको डेट एंड प्लेस डिसाइड करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मार्च में आया समझ लो एग्जाम, मतलब डेट, सॉरी, मार्च में आएगा डेट एंड प्लेस, फिर अप्रैल में 60 दिन बाद जून से चालू होंगे उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के डेट, ठीक है, समझ लो 30 दिन का रहा हो,
तो जून खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है, ठीक है, द क्लोजिंग डेट फॉर एक्सेप्टेंट ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी लेस देन 60 डेज प्रायर टू डेट फिक्स्ड बाय एग्जाम, ठीक है। अब क्लोजिंग डेट होंगी, पर समझ लो क्लोजिंग डेट है अपनी 1 जून को चालू हुई ओपनिंग डेट, तो 30 जून को समझ लो खत्म हुई अपनी क्लोजिंग डेट, तो 30 जून के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 जून के बाद में 5 जुलाई को एग्जाम हो जाए, 30 जून के बाद कम से कम 60 दिन का टाइम उनको मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, क्लोजिंग डेट के बाद 60 दिन का टाइम मिलना चाहिए, समझ लो 30 जून को अपनी विंडो क्लोज हुई, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर में ही आप एग्जाम ले सकते हो, 1 सितंबर के बाद ही आपको एग्जाम देना है 60 दिन बाद, ठीक है, 60 दिन बाद ही आपको एग्जाम लेना है। सबसे पहले आएगा डेट एंड प्लेस, ठीक है, डेट एंड प्लेस आएगा, इसको वापस से सेकंड एग्जांपल से देखते हैं, एक जनवरी को डेट एंड प्लेस आया, ठीक है, फिर उसके बाद में उसके 60 दिन बाद जनवरी फरवरी, मतलब फरवरी तो 28 दिन करते थे, तो 2 मार्च, मतलब 60 दिन बाद 3 मार्च के बाद होंगे उसके क्या बोलते हैं अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीविंग होंगे, और उसकी जो लास्ट डेट होंगी समझ लो एक महीने का उसे टाइम दिया करने के लिए, समझ लो 30 मार्च तक दिया, तो उसके 60 दिन बाद वो डेट होना चाहिए एग्जाम की, अप्रैल में 30 दिन, मई में 30 दिन पकड़ लो, 60 दिन बाद उसकी जो डेट होंगी मतलब जो एग्जाम की डेट होंगी तो वो फिक्स होना चाहिए, तो मिनिमम कम से कम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, तो मतलब 5 महीने कोई किसी को भी मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है, डेट सबसे पहले आएगी डेट एंड प्लेस, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एग्जाम होंगे। 15 एज एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन हेल्ड बाय बोर्ड अनलेस ही इज 20 इयर्स ऑफ एज, कोई पर्सन को एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा जब तक कि उसका 20 इयर्स की एज होनी कंपलसरी हो, तो 20 इयर्स ऑफ एज आपने जब जीटी एग्जाम दिए होंगे जो अंडरग्राउंड वाले, तब भी उसमें 20 इयर्स ऑफ एज कंपलसरी मांगा है, इसलिए वो उसके लिए 20 इयर्स ऑफ एज, मतलब कोई भी एग्जाम हो बोर्ड की 20 इयर्स ऑफ एज होना कंपलसरी है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर ए मैनेजर सर्वेयर फोरमैन मेट मास्टर सर्टिफिकेट अनलेस ही होल्ड अ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और द स्टैंडर्ड ऑफ द एसटी जोन एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया, इससे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, मैनेजर के लिए, सर्वेयर के लिए, फोरमैन के लिए, ब्लास्टर के लिए और मेट के लिए, ठीक है, उसके पास एसटी जोन एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया से फर्स्ट एड होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी नॉर्मल मेडिकल डॉक्टर से गए, झोला छाप डॉक्टर से गए और उसके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट लेके हाँ मैं फिट हूँ, ऐसा नहीं है, आपको कंपलसरी कि एसटी जोन एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया से आपको फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मिलना होना चाहिए, आपने देखे अपने सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऊपर से लिखा रहता है, तो और ऊपर भी लिखता है एसटी जोन एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया, ठीक है। प्रोवाइडेड डेट If any candidate certified the board that he had not sufficient opportunity to obtain the such first aid certificate, the board may admit him to the examination on such condition as if any, as it think fit to impose. ठीक है, जैसे अभी हुआ था, इसमें ये बोल रहा है कि अगर जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ने अभी बोर्ड को बोला था कि फर्स्ट एड तो कहीं नहीं बन रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने अभी फर्स्ट एड बनाना बंद कर दिया था, तो उसके बाद में बोर्ड ने अपना जो बहुत सारे जो WCL है मतलब जो गवर्नमेंट के मतलब सेंटर्स है वहाँ पे चालू किया फर्स्ट एड बनाना, तो वही इसमें वही बताया, ठीक है, मतलब उसने बता दिया कि सफिशियंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मेरे को जिसकी वजह से फर्स्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो बोर्ड अलाउ कर देंगे तो एग्जामिनेशन पे बैठ, ठीक है, या फिर कोई दूसरी कंडीशन लाएंगी वो जो चाहे इम्पोज करने के लिए, ठीक है। एवरी एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन एज अपर शेड शेड बी अकम्पेड बाय, ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड ले रही है तो उसके पास में क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ एज, तो सर्टिफिकेट ऑफ एज कौन ग्रैंड करेगा, ग्रैंड बाय अ गैजेट ऑफिसर और बाय अ हेडमास्टर ऑफ द स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, ये किसके लिए, जिन्होंने 10th नहीं पढ़े उसके लिए, ठीक है, हेडमास्टर ऑफ स्कूल होगा या गैजेट ऑफिसर होगा या फिर HSC का कोई भी स्टैंडर्ड या फिर उस केस में होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड इन अ पर्सन होल्डिंग मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट सच सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड एज एविडेंस ऑफ एज, ये मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का सर्टिफिकेट या उसके साथ वाला सर्टिफिकेट एविडेंस ऑफ एज केस में काउंट होगा, इसमें ज्यादा कुछ बताना है नहीं, सबको पता है कितने फॉर्म भरे होंगे आपने, तो ठीक है।
अपन मेडिकल सर्टिफिकेट भी पढ़ते हैं, अपन मेडिकल पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर बनाते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं, ठीक है, ये कंपल्सरी सब में अपन भेजते हैं, ठीक है. मेडिकल सर्टिफिकेट ऑब्टेंड फॉर मोर देन 2 ईयर्स प्रायर टू द डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन फ्रॉम ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर नॉट अ बिलो रैंक ऑफ सिविल असिस्टेंट सर्जन फॉर फॉरमेन सर्टिफाइड सर्जन सर्टिफाइड द कैंडिडेट टू बी फ्री फ्रॉम डेफिनेस डिफेक्टिव विजन और एनी अदर इन्फिनिटी मेंटल और फिजिकल लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंसी ऑफ हिज वर्क. ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा समझ लो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि आपने 10 साल पहले आया कि तुम ठीक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. 2 साल पहले कम से कम होना चाहिए डेट ऑफ द एप्लीकेशन. तो वो किसके जरिए होना, तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में. उसका जो रैंक होना चाहिए वो सिविल असिस्टेंट सर्जन से कम नहीं होना चाहिए या फिर सर्टिफाइड सर्जन से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, कैंडिडेट को वो क्या क्या दिखाना चाहिए, वो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें, कि वो डेफिनेस मतलब उसको मतलब वो बहरा है, मतलब कान से सही है, आँख से सही है, और उसको दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंफिनिटी मतलब मेंटल और फिजिकल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइक टू इंटरफेयर विद एफिशिएंसी, जो उसके काम को बाधा डाल सके ऐसा कुछ नहीं है. तो सर्टिफिकेट फ्रॉम सम गुड पर्सन और ऑफ गुड रेपुटी सो एज टू जनरल गुड कंडक्ट सोबरिटी एंड ऑफ द कैंडिडेट. ठीक है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, सी एच कैरेक्टर सर्टिफिकेट. ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट फ्रॉम गुड पर्सन ऑफ गुड रेपुटी, मतलब ये सर्टिफिकेट अपन जो कंडक्ट करेंगे वो एक गुड रेपुटी से होना चाहिए. ठीक है, और उसका उसमें दिखाना चाहिए कि वो गुड उसका जो कंडक्ट है वो गुड है, और सोबेरिटी मतलब उसका वो जो आचार है वो अच्छा है ऑफ द कैंडिडेट का. ठीक है, आफ्टर द सेकेंड आफ्टर द थर्ड 31 December 1961 No person shall be admitted as candidate at any examination for managers or surveyor certificate unless he has passed a matriculation examination of the recognized university or its equivalent foreman, mates, engine driver or blaster certificate unless he satisfied that board he is literate. तो 1961 के पहले MMR के पहले क्या होता था कि जो manager और surveyor certificate है वो कोई भी बना सकता था. अभी क्या rule आया है, मतलब 1961 के बाद rule क्या है कि उसको कम से कम 10 pass करना जरूरी है. ठीक है, और जो फोरमैन है, मेट है, इंजन ड्राइवर है या फिर ब्लास्टर सर्टिफिकेट है, उसको बस ये दिखाना है बोर्ड को कि ये मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रेगुलेशन शैल डीम टू डिबार अ पर्सन नॉट सेटिस्फाइंग द प्रोविजन देयर ऑफ फ्रॉम बीइंग एडमिटेड एट सच एग्जामिनेशन आफ्टर द स्टेट दैट इफ हैड बीन एडमिटेड अ सिमिलर एग्जामिनर बिफोर द डेट. मतलब ये सब रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि जो पहले जो एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं वो अभी भी बैठ सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है. नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज कैंडिडेट ऑफ एन एग्जामिनेशन फॉर मैनेजर और फोरमैन सर्टिफिकेट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मैन सेविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली अनलेस ही इज ऑप्टेड मेड सर्टिफिकेट. तुमको अगर मैनेजर या फिर फोरमैन सर्टिफिकेट चाहिए मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, तो तुमको तुम्हारे पास मेड सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट एंड गेस्ट रजिस्ट्री सर्टिफिकेट. अब आपको आप बोलोगे अरे ये कब हुआ, मतलब हम तो डिग्री वाले या फिर डिप्लोमा वाले, हमको हमारे पास मेड सर्टिफिकेट नहीं है, फिर हम तो बन सकते हैं फोरमैन सर्टिफिकेट या मैनेजर सर्टिफिकेट. पर उसका जो बायलॉज है वो अलग बाद में आएगा, ये उनके लिए है जिनके पास कुछ नहीं है. ठीक है, तो मेड सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है. ठीक है, अगर आपको मैनेजर या फिर फोरमैन अनरजिस्टर्ड चाहिए तो ऑब्वियसली आपको मेड सर्टिफिकेट अनरजिस्टर्ड चाहिए और साथ में गेस्ट रजिस्ट्री सर्टिफिकेट चाहिए. और सेम टू सेम ये भी बोला है कि नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एन एग्जामिनेशन for managers or foreman certificate registered to mines having open cast working only unless he had obtained a mid certificate. वही बोला है कि manager और foreman certificate चाहिए registered वाला, तो उसके पास mid certificate होना compulsory है. वो underground का भी चलेगा, open cast का भी चलेगा, और इसमें guest testing की जरूरत नहीं है open cast की बात हुई तो. ठीक है, provided that in this clause shall not apply to a candidate for manager certificate if he already holds a foreman certificate. ये देखो granted under this regulation 22 or 23. ठीक है, अगर मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए और उसके पास फोरमैन सर्टिफिकेट और मेड सर्टिफिकेट होना कंपलसरी नहीं है. ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कितने कितने साल का एक्सपीरियंस लगता है. उसके बाद में वो कैंडिडेट फॉर मैनेजर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट इफ इज ऑलरेडी होल्ड्स अ मैनेजर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट. अगर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट के लिए की बात हो रही है तो अगर सेकंड क्लास है तो भी उसको अपन ग्रैंड करेंगे. ठीक है, जैसे हमको जैसे कोई भी मतलब जैसे डिग्री वाले हैं उनके पास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट, अब वो बोल रहा है कि तुमको फोरमैन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. ठीक है, If a candidate satisfied the board that he did not have sufficient opportunity to obtain MET or guest testing certificate, the board may admit him for the examination for a manager or foreman certificate. ठीक है, अगर candidate satisfy करता है board के पास में कि उसको sufficient opportunity नहीं मिली कि उसके पास MET या फिर guest testing certificate है, तो board उसको allow कर सकती है manager और foreman certificate के लिए.
ठीक है, ऑन सच कंडीशन इफ एज मीन इफ इट, और कंडीशन रखेंगी कि ये कंडीशन तुमको फुलफिल करो, ठीक है। हो सकता है कि बोर्ड ने उसका मेट सर्टिफिकेट रोक के रखा हो या फिर गेस्टिंग सर्टिफिकेट रोक के रखा हो, अगर बोर्ड की गलती होगी या फिर तो कोई दूसरी कंडीशन होगी तो आप अलाउ कर सकती है मैनेजर ऑफ फॉर्मल सर्टिफिकेट के लिए। नो पर्सन 16 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए कैंडिडेट फॉर मैनेजर एग्जामिनेशन, तो मैनेजर एग्जामिनेशन तो है जो है सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास, तो उसके लिए कितने साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, ठीक है। No person shall be admitted as a candidate at any examination for a first or second class manager certificate other than exchange cert or service certificate to which the provision of regulation 22 and 23 respectively apply, unless he satisfied the board that he had an effective experience in metalliferous mines for a period of not less than 5 and 3 years respectively. ठीक है, कोई भी person को हम first या second class manager certificate नहीं देंगे, ठीक है, अदर देन एक्शन सर्टिफिकेट रहा या सर्विस सर्टिफिकेट रहा, टू विच मतलब रेगुलेशन 22 और 23 जो अप्लाई होता है, मतलब आगे पढ़ेंगे आप, ये जो पॉइंट ये वाला छोड़ दो आप, ये आगे पढ़ेंगे अपन ने, अनलेस वो बोर्ड को सेटिस्फाई कर देता है कि उसके पास जो एक्सपीरियंस है मेटल माइंस में वो 5 और 3 साल का एक्सपीरियंस है, किसके लिए, फील्ड कैंडिडेट के जो फील्ड से आए हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड के लिए, ठीक है, फील्ड को 5 साल फर्स्ट क्लास के लिए और 3 साल मेटल माइंस सेकंड क्लास के लिए होना कंपलसरी है, मतलब सेकंड क्लास के बाद भी उसको और 2 साल पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट क्लास के लिए। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज रिसीव्ड अ डिप्लोमा और डिग्री इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन द बिहार बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच पीरियड शैल बी रिड्यूस्ड टू 3 और 2 इयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो डिप्लोमा वाला है 1961 के हिसाब से, डिप्लोमा वाले को डिग्री वाले के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, डिग्री वाले के लिए तो फॉर सेकंड क्लास के लिए 1 साल लगता है, ठीक है, एक्सपीरियंस, और फर्स्ट क्लास के लिए 2 साल लगता है, 2 और 1 है ये क्राइटेरिया, और डिप्लोमा वालों को फर्स्ट क्लास के लिए 3 साल, ठीक है, डिप्लोमा वालों को फर्स्ट क्लास के लिए 3 साल, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, और डिप्लोमा वाले को मतलब डिग्री फर्स्ट क्लास के लिए 3 साल और सेकंड क्लास के लिए 2 साल लगता है, ठीक है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री इन अप्लाइड जियोलॉजी सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन द बिहार बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच पीरियड शैल बी रिड्यूस्ड टू 4 और 2.5 इयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर किसी के पास डिप्लोमा या डिग्री जियोलॉजी में है, सिविल में है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, ठीक है, या कोई दूसरा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पता है कौन सा क्वालिफिकेशन लगेगा, जो सर्च पीरियड है 4 साल फर्स्ट क्लास के लिए, 4 साल सेकंड क्लास के लिए 2.5 इयर्स हो सकते हैं, अगर डिप्लोमा और डिग्री किसमें, जियोलॉजी में हो, सिविल में, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में हो। द नेचर ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट फॉर मेजर सर्टिफिकेट इट शैल बी एक्सपीरियंस अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड गेन्ड इन वन और अदर ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटीज इन मेटलफेरस माइंस हैविंग एन एवरेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द नॉट लेस देन 16 वर्किंग बिलो ग्राउंड और नॉट लेस देन 116 माइल इन ऑल इन द माइंस। तो ये जो मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए जो एग्जाम मतलब जो है अपना, उसके लिए कम से कम 60 जो होना चाहिए वो अंडरग्राउंड में होना चाहिए, मतलब जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट है डेली कम से कम 60 लोग वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और 160 पूरे माइंस में, मतलब अंडरग्राउंड में 60 लोग और सरफेस में अगर मतलब 100 लोग हैं, 100 से 120, तो 160 ओवरऑल होना चाहिए मतलब पूरे माइंस में, ठीक है। इन माइन एज ए वर्कमैन मतलब किस किस को मिलेगा, मतलब जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस किस किस को मिलेगा, वर्कमैन को मिल सकता है, माइनिंग अप्रेंटिसशिप को मिल सकता है, हैविंग मतलब पीजीपीटी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पीजीपीटी पीडीपीटी ऑफ गेटिंग ओर एंड ऑफ स्टोर वर्क, टिम्बरिंग को मिल सकता है, रिपेयरिंग को मिल सकता है, एंड एज द ऑफिशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है, उसको काम एज अ वर्कमैन होना चाहिए या फिर माइनिंग अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है, टिम्बरिंग होना चाहिए, रिपेयरिंग वाला होना चाहिए या फिर ऑफिशियल होना चाहिए माइनिंग ऑपरेशन में। प्रोवाइडेड डेट 9 provided out of the period experience under sub-regulation 1 from the candidate for the examination of first class manager certificate not restricted to mines having open cast working only, a period of not less than 18 months should have been spent in the working below ground of a mines. Second class manager certificate not restricted to mines having open cast only, only a period of not less than 12 months should be spent in the working below ground of a mines. ठीक है, अब जो first class manager certificate है आपने जो पढ़े थे, ठीक है, एक जगह 5 बताया गया, एक जगह 3 बताया गया, ठीक है, एक जगह 2 बताया गया,
ठीक है, एक जगह चार बताया गया है, मतलब दो तीन चार पाँच, ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे दो तीन चार पाँच, तो इनमें से जो एक्सपीरियंस है टेंथ प्रोवाइड फर्दर डेट द बोर्ड में अप्रूव अ पार्ट ऑफ पीरियड ऑफ द एक्सपीरियंस गेन्ड व्हाइल एंगेज्ड इन इंस्पेक्शन रेस्क्यू रिसर्च प्लानिंग और एनी अदर वर्क कनेक्टेड विद माइनिंग ऑपरेशन सो हाउएवर दैट द फ्यूचर्ड पीरियड शैल नॉट इंक्लूसिव ऑफ द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन कोल माइंस अप्रूव्ड अंडर रेगुलेशन 19 एक्सीड 1 ईयर इन केस ऑफ सेकंड क्लास एंड 1.5 ईयर इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास अंडर सर्टिफिकेट. बहुत इजी है इसका इंटरप्रिटेशन, बस लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है. जो बोर्ड है वो अप्रूव कर सकती है जो पीरियड है जहां पर उसने मतलब एक्सपीरियंस गेज किया, जहां वो एंगेज किस में था, इंस्पेक्शन में था, माइंस के रेस्क्यू वर्क में था, रिसर्च वर्क में था, या फिर प्लानिंग वर्क में था, या फिर कोई दूसरे वर्क में था जो कनेक्ट है माइनिंग ऑपरेशन से. सो हाउएवर, ठीक है, इतना समझ गया हूँ. सो हाउएवर दैट अफोरसेड पीरियड, ये जो पहले का पीरियड है इंस्पेक्शन का, रेस्क्यू का, रिसर्च का, प्लानिंग का, शैल नॉट, इंक्लूसिव को छोड़ दो, shall not exceed 1 year in case of second class and 1.5 year in case of first class major certificate. ये जो rescue का, research का, planning का, ये एक साल तक ही अपन उसको दे सकते हैं, मतलब second class, मतलब second class में और 1.5 year first class से, first class के लिए अगर पास हुए experience मांग रहे हैं तो डेढ़ साल तक maximum अपन इन सबको दे सकते हैं, ठीक है, और second class में 1 year तक दे सकते हैं अगर ये वो इस चीज में मतलब experience ले रहा है तो. और ये जो एक्सपीरियंस है, अब ये पढ़ते हैं अपन, इंक्लूसिव ऑफ द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन कोल माइंस अप्रूव्ड अंडर रेगुलेशन 19. तो ये जो रेस्क्यू इंस्पेक्शन रेस्क्यू रिसर्च प्लानिंग का है, इसमें कोल माइंस का भी पीरियड आएगा, ठीक है, जो अगर कोल माइंस में वो कर रहा है तो वो मेटल माइंस में भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन मैक्सिमम एक साल होगा वो सेकंड क्लास के लिए और 1.5 ईयर फर्स्ट क्लास के लिए. रेगुलेशन 17 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्वेयर एग्जामिनेशन. No person shall be admitted as a candidate at any examination for a surveyor certificate unless he has satisfied the board that he has not less than 2 years of practical experience of surveying of a type approved by the board in case of candidate for a certificate which is not restricted to mines having open cast working. The said experience shall not include the period of experience for a period of not less than 6 months of surveying the working below ground of a mines having average employment of not less than 60 in working below ground mines or other mines as the board may approve. ठीक है, ये बोल रहा है कि no person shall be admitted as a candidate at examination for surveyor certificate. मतलब surveyor certificate के examination के लिए हम किसी को भी admit नहीं करेंगे. कब तक नहीं करेंगे? जब तक ये board को satisfy नहीं करता है कि इसके पास He has not less than 2 years of practical. उसके पास दो साल से कम का experience नहीं है surveying में, ठीक है? और ऐसा experience है जो board approve करता है, ठीक है? In case of candidate for certificate which is not restricted to mines having open cast working only, ठीक है? अगर underground वाला certificate है मतलब unrestricted, the period of experience shall include मतलब जो ये दो साल का period है shall include The period of sorry, the said experience shall not include the period of experience over a period of not less than 6 months for surveying the working below ground of a mines. मतलब जो ये दो साल का period है उसमें कम से कम underground के लिए अगर वो apply कर रहा है तो कम से कम 6 महीने उसके पास underground का experience होना चाहिए. मतलब दो साल बोले तो 24 महीने में से 6 महीने मतलब आधा साल उसके पास underground का experience होना चाहिए जहाँ पे average employment होगा वो 60 से कम नहीं होना चाहिए in working below ground में. मतलब 60 लोगों से एक दिन में कम से कम वहाँ पे 60 लोग प्रेजेंट ही होना चाहिए, ठीक है? और सच अदर माइंस एज द बोर्ड में अप्रूव या कोई अदर माइंस जो बोर्ड अप्रूव करता हो. प्रोवाइडेड दैट द अफोरसेड पीरियड ऑफ 2 इयर्स, तो ये दो साल का पीरियड है, शेड रिड्यूस टू 6 मंथ, ठीक है? दो साल के पीरियड को हम 6 मंथ तक रिड्यूस कर सकते हैं इनकेस ऑफ कैंडिडेट हु हैज रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा और डिग्री इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग, माइन सर्विंग, सिविल इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन द बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये जो दो साल का पीरियड है उसको हम 6 महीने तक रिड्यूस कर सकते हैं वो कैंडिडेट के लिए जिसके पास डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो माइनिंग में, माइनिंग इंजीनियरिंग में, माइन सर्वेइंग में, सिविल इंजीनियरिंग में या दूसरा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर सके. हाउएवर टू सच टू द कंडीशन इन केस ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्टिफिकेट व्हिच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माइंस
having open cast working only. तो ये जो अंडरग्राउंड वाला पीरियड है, ठीक है, अंडरग्राउंड में 6 मंथ को एक्सपीरियंस जो होगा, जो 6 महीना वो अंडरग्राउंड का ही होना चाहिए. जैसे वो सर्वेयर के लिए अप्लाई कर रहा है तो जो 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, जैसे नहीं कि 2 साल के एक्सपीरियंस में 6 महीना अंडरग्राउंड चलेगा, नहीं, लेकिन ये चाहिए 6 महीने के एक्सपीरियंस में. जो 6 महीने का जो डिप्लोमा डिग्री माइनिंग वाले जो कर रहे हैं, इनका डिग्री माइनिंग में अगर सिविल में अगर माइन सर्वेइंग में, ठीक है, तो उनको 6 महीने कम से कम अंडरग्राउंड में ही करना है. ऐसा नहीं कि 6 महीने ओपन अंडरग्राउंड और 3 महीने ओपन कास्ट की, नहीं, अंडरग्राउंड में ही करना है उन्हें. रेगुलेशन 18, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मेट एंड ब्लास्टर एग्जामिनेशन. नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एट एग्जामिनेशन फॉर मेट सर्टिफिकेट अनलेस द बोर्ड इज सैटिस्फाइड दैट ही हैज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन अ मेटलिफेरस माइंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 इयर्स प्रोवाइडेड दैट. ठीक है, कोई भी पर्सन को हम एडमिट नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में फॉर ए मेट सर्टिफिकेट अनलेस द बोर्ड सेटिस्फाई करता है कि उसके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग है मेटल माइंस में कम से कम 3 साल की है. ठीक है, नॉट लेस देन मतलब कम से कम 3 साल की होना जरूरी है. प्रोवाइडेड दैट द सेड पीरियड शैल बी रिड्यूस, जो 3 साल का जो पीरियड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कितना, 2 साल के लिए. इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैज रिसीव्ड अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन माइनिंग सब्जेक्ट और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आफ्टर एटलीस्ट, मतलब ये 2 साल जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको 2 साल के करेंगे, किसके लिए, जिसके पास डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो माइनिंग सब्जेक्ट्स में. ठीक है, डिप्लोमा वाले को 2 साल ही करना पड़ेगा. आफ्टर ए कोर्स ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन अप्रूव्ड इन द बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, 2 साल के बाद में उसके बाद में उनको मतलब कम से कम 2 साल का मतलब कोर्स होना चाहिए. ठीक है, और उससे डिग्री और ये जो है और इसके किसके लिए 2 साल का एप्लीकेबल होगा, जिसके पास डिग्री है अप्लाइड जियोलॉजी में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड सेकंड, नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन फॉर ब्लास्टर सर्टिफिकेट अनलेस द बोर्ड इज सैटिस्फाइड दैट ही हैड अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन मेटलिफेरस माइंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 इयर्स आउट ऑफ व्हिच नॉट लेस देन 6 मंथ्स शैल बी एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन कनेक्शन विद शॉर्ट फायरिंग. ठीक है, कोई भी अब ब्लास्टर सर्टिफिकेट की बात है, ब्लास्टर सर्टिफिकेट में पर्सन को जो होगा तब हम उसको तब तक मिलेंगे जब तक वो बोर्ड को सर्टिफाई कर देता है कि उसके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और ट्रेनिंग है मेटल माइंस में वो 2 साल की, 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी ब्लास्टर के लिए, मेट के लिए 3 साल के लिए. 2 साल में जो 6 महीने किसमें होगा, एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एंड कनेक्शन विद शॉर्ट फायरिंग, कम से कम 6 महीना शॉर्ट फायरिंग से वो कनेक्ट होगा. ठीक है, शॉर्ट फायरिंग मतलब चार्ज करना, ब्लास्ट करना, ब्लास्टिंग से उसको कम से कम 6 महीना उसके बाद एक्सपीरियंस होना जरूरी है ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए 2 साल में से. प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड शैल बी रिड्यूस, जो 2 साल का पीरियड है उसको और कम कर सकते हैं टू 1 ईयर including not less than 4 month in short firing. अगर इसको अपन एक in case of candidate who has received diploma or certificate in mining subjects or other equivalent qualification, या तो diploma हो या तो certificate हो, ठीक है, diploma हो या तो certificate हो किसमें, mining subjects में, mining subject हो गया मतलब mining geology या फिर दूसरे जो mining subject है उसमें अगर certificate हो, ठीक है, तो अपन उसको ये तो 2 साल का पीरियड है उसको 1 साल कर सकते हैं. और इसमें भी जो 2 साल के पीरियड में 6 महीना था अपना शॉर्ट फायरिंग में, तो 1 साल के पीरियड में 1 साल के पीरियड में 4 महीना शॉर्ट फायरिंग में होना कंपलसरी है. आफ्टर ए कोर्स ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन अप्रूव्ड इन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और वे रिसीव्ड अ डिग्री इन अप्लाइड जियोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑन अप्रूव्ड इन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. वही सेम टू सेम है कि जो 2 साल का पीरियड है वो जो 1 साल के लिए किसी के लिए मतलब रेडियस होगा, जिसके पास डिग्री हो अप्लाइड जियोलॉजी में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर दूसरा क्वालिफिकेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करे. ठीक है, और जो 2 साल का पीरियड है बी टू 6 मंथ्स, जो 2 साल का पीरियड है उसको अपन 1 साल के लिए रिड्यूस इस मतलब पहले वाले कंडीशन में कर सकते हैं और 6 महीने तक किसके लिए कर सकते हैं, इंक्लूडिंग नॉट लेस देन 2 मंथ्स इन शॉर्ट फायरिंग, मतलब 6 महीने के लिए 6 महीने तक के खुद को ब्लास्टर सर्टिफिकेट मिल सकता है जिसमें से 2 महीने शॉर्ट फायरिंग में हो. इन केस ऑफ कैंडिडेट हुए रिसीव डिप्लोमा और डिग्री इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बी इन द बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर किसी ने डिप्लोमा रिसीव किया हो या डिग्री रिसीव की हो तो उसको ब्लास्टर सर्टिफिकेट अपन दे सकते हैं
महीने, उसको बस 6 महीने करने की जरूरत है बस माइंस में, उसमें से भी 2 मंथ शॉर्ट फायरिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिप्लोमा डिग्री वाला फोरमैन सर्टिफिकेट लेगा ना, ब्लास्टर सर्टिफिकेट क्यों लेगा, ये भी क्वेश्चन है। थर्ड, द नेचर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ऑफ द कैंडिडेट फॉर ऑफियर सेट एग्जामिनेशन शैल द एक्सपीरियंस ऑफ सच टाइप एज मे बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। तो जो नेचर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे 6 महीने में से 2 मंथ शॉर्ट फायरिंग होगा, वो भी ऐसा नहीं कि मतलब शॉर्ट फायरिंग में एक्सपीरियंस ले रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस होगा, मतलब क्या क्या आपको चार्जिंग करना है, ब्लास्टिंग कैसे कैसे करना है, उस पर आपको पे होगा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सॉरी बोर्ड अप्रूव करेंगे उस तरीके से अपना एक्सपीरियंस होगा। ये अप्रूवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, अभी अपन ने फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट पढ़े, ये बहुत प्यारा मतलब सीरीज चल रही है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट पढ़े, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट पढ़े, फिर अपन ने पढ़े फोरमैन सर्टिफिकेट, फिर आया अपना मेट सर्टिफिकेट, फिर आया ब्लास्टर सर्टिफिकेट, अब ये है अप्रूवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, ठीक है। इन द केस ऑफ ए कैंडिडेट पार्ट ऑफ हुज एक्सपीरियंस हैज बीन ऑब्टेंड इन कोल माइंस, the period of experience, the period of practical experience in metalliferous mines as prescribed in regulation 16, 17, 18 may be reduced by the board to such extent and subject to such condition as it may specify, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट का ने एक्सपीरियंस ऑब्टेन किया कोल माइंस में, तो जो पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस है मेटल माइंस में उसको रिड्यूस कर सकते हैं अपन बोर्ड में, अगर जो बोर्ड चाहे उस तरीके से, मान लो कोल में 1 साल किया है तो मेटल में वो 1-3 महीने काउंट हो सकता है, मतलब समझ लो वो 3 महीने कोई भी चीज में काउंट हो जाएगा, ऐसा बोर्ड स्पेसिफाई करे, या तो पूरा 1 साल का जो कोल का एक्सपीरियंस है उसको मेटल में भी 1 साल कर सके अगर बोर्ड चाहे तो। 20, प्रैक्टिकल रेगुलेशन 20, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, कितना अपने को सर्टिफिकेट चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर एन इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट अनलेस ही हैज सेटिस्फाइड द बोर्ड दैट ही हैज हैड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए ड्राइविंग द माइनिंग इंजन और एन असिस्टेंट टू ए क्वालिफाइड माइनिंग इंजन ड्राइवर फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है। कोई भी पर्सन को हम एडमिट नहीं करेंगे कैंडिडेट को कोई भी एग्जामिनेशन में इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के, जब तक कि वो सेटिस्फाई कर सकता है बोर्ड को कि उसके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वाइंडिंग इंजन ड्राइव करने का या फिर उसके असिस्टेंट का, जो क्वालिफाइड वाइंडिंग इंजन है उसका जो असिस्टेंट है वो कम से कम 1 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए। प्रोवाइडेड दैट no person shall be permitted to appear at any examination for first class engine driver certificate unless he hold second class engine driver certificate, simple si baat hai, first class agar usko karna hai to aisa nahi ki uske paas bas 1 saal ka experience ho aur uske paas matlab certificate na ho second class ka, usko uske paas second class, pehle usko second class nikalna padega fir uske baad usko first class ka de sakte hain। regulation 21 examination fees, fees on the following scale shall be paid in respect of every application for admission to examination, ठीक है। A, in case of examination of first class manager certificate 50, first class manager certificate के लिए fees 50 है। In case of examination for second class manager certificate के लिए 30 है। In case of examination for surveyor certificate के लिए 20 है। पढ़ते हैं अपन फोरमैन सर्टिफिकेट के लिए 20, मिड सर्टिफिकेट के लिए 10, फर्स्ट क्लास इंजीनियर सर्टिफिकेट के लिए 20, सेकंड क्लास के लिए 10 और ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए 6 और गेस्ट असिस्टेंट सर्टिफिकेट के लिए 4। द चीफ इंस्पेक्टर मे परमिट द रिफंड ऑफ एनी फीस पेड अंडर सब रेगुलेशन 1 वेयर द कैंडिडेट हैज डाइड बिफोर द एग्जामिनेशन और वेयर द फीस हैज बीन इरोनॉमसली पेड, ठीक है। अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो परमिट कर सकता है कि जो उसने फीस रिफंड किया, समझ लो 50 रुपये रिफंड की फीस पेड किया है, उसको रिफंड करना सकता है कि इसमें पहले जब कैंडिडेट मर गया हो या फिर फीस एरोनॉमसली पेड, एरोनॉमसली पेड मतलब गलती से पेड हुई हो या फिर कोई रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि मतलब इस रीजन के कारण मेरे को गलती से पेड हुई है, ठीक है। थर्ड,
एक्सेप्ट एंड अफोर्सेड एग्जामिनेशन फीस पेड शैल नॉट वंस बी रिफंडेबल. और ये दो कंडीशन के सिवाय डेड या डाइड या फिर एनोमिसली पेड के सिवाय फीस को रिफंडेबल होना होंगी नहीं. थैंक यू.